आजी हम कह रहे हैं इसे मार डालिए और हम अपने राजपूत धर्म के आगे कभी नहीं जाएंगे। जा, छोड़ दिया तुझे। राणा जी, ये चेतन राघव कौन है? अगर आपको लगता है कि राजकुमार रतन सिंह के चित्तौड़ में ना होने का निमित्त मैं हूँ, तो मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक राजकुमार रतन सिंह चित्तौड़ वापस नहीं आ जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कफूर, दिल्ली दरबार का इंसाफ किसी पर्दे का मोहताज नहीं। यहां जो कुछ भी होता है खुलेआम होता है, आपको जाने की जरूरत नहीं। कहो क्या बात है? जिंदगी से बेजार होकर ये खवातीन अपनी जान देने चली थी। हमारी कैद से हुस्न आजाद हो जाए, ये नामुमकिन है। यहां तो मौत भी तब आती है खिलजी की इजाजत हो, इसलिए ना तो तुम यहां से फरार हो सकती हो और ना ही जान देकर हमसे बच सकती हो। तुम्हारे नसीब में क्या है बाखुदा, मां बदौलत खुद तय करेंगे। इस धरातल पर तो रावण भी न बच सका, दुर्योधन भी माटी में मिल गया, फिर तेरी क्या औकात है? यहां सूरज को भी ग्रहण झेलना पड़ता अलाउद्दीन खिलजी, फिर तू तो उसके सामने इनका भी नहीं है। नाचीज लड़की, क्या तुझे छोड़ दिया? हम क्या हैं, हमारी कुवत क्या है, सारा हिंदुस्तान जानता है। तुम हमारा खून खोलाकर हमसे अपनी मौत चाहती हो, लेकिन हम तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे। हम तुझे ऐसी सजा देंगे जो तुम कभी नहीं भूलोगे। कफूर, इस नाचीज को हम तुम्हारे हवाले करते हैं, ले जाओ और इस्तेमाल करो इसका, और जब तुम इससे बेजार हो जाओ तो इसे नजराने के तौर पर सिपा सलार के हवाले कर देना, इसकी यही सजा है। हर 10 दिन के बाद इसका हर्म बदलता रहे। बहुत जल्द इस देवगिरी की राजकुमारी को हम घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों की आगोश में देखेंगे। मुमकिन है इसे हमारी कुवत का अंदाजा हो गया होगा। नहीं, कौन है वहां पर? ले चलो इसे हमारे आलम में। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे खिलजी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो मुझे।
राजकुमारी, राजकुमारी आपको पता है महल में आपकी विदाई की तैयारियां चल रही हैं। विदाई? हाँ विदाई, पालकियां फूलों से सजाई जा रही हैं, घोड़े भी तैयार हो चुके हैं, आज सांझ तक तो आपकी विदाई हो ही जाएगी। पर ये सब इतनी जल्दी क्यों, जब हमारी साधारण प्रजा का विवाह समारोह पूरे दो पक्ष तक चलता है, फिर हम तो एक राजकुमारी हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, समाज का रीति रिवाज है, और फिर हम तो अपनी माता पिता की लाडली बेटी हैं, हमारे विवाह का समारोह तो और अधिक होना चाहिए, फिर हमारी विदाई में इतनी शीघ्रता क्यों सौदामिनी? क्या हमारे पिताजी का प्यार हमारे लिए जाता रहा? क्या हमारी माँ के लिए हम पराए हो गए हैं? क्या अब हम सिंगल द्वीप के लिए कोई बोझ बन गए हैं? हाँ, भारी इस बासुरी की तान ने भले इस महल के लोगों को वशीभूत किया हो, पर थारी ये तान का जादू इस नागमती पर ना चले है। मारी ये बात ध्यान राखियो चेतन राघव। या महल में आजकल छुपा छुपी का खेल कुछ ज्यादा ही चले है, पर ये खेल हमसे ना खेला जाए, इसी में थारी भलाई है चेतन राघव। इसकी क्या आवश्यकता है जब उत्तर स्वयं मुख से बाहर आने को अधीर है? अगर आप में उत्तर सुनने की हिम्मत है तो मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं। उत्तर सुनने की हिम्मत तो हम में है, पर इस समय तुम कुछ छुपाने की हालत में नहीं हो। बताओ, बताओ राणा जी कहां है? अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए, मैंने राजकुमार रतन सिंह के साथ अल्प समय बिताया है, पर मैंने जाना बहुत कुछ है उनके बारे में। और सच्चाई ये है, जितने समय भी मैं उनके साथ रहा मैंने कभी उन्हें प्रसन्न नहीं देखा। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो अपने वैवाहिक जीवन से प्रसन्न नहीं थे। क्षमा करना, अगर सच्चाई जानकर आप हृदय को चोट पहुंची हो। तो तुम्हें राणा जी का यह दुख देखा नहीं गया, और इसीलिए तुमने शुभचिंतक बनकर राणा जी के सामने एक स्त्री का चित्र बनाकर रख दिया। चेतन राघव, तुम बांसुरी बड़ी अच्छी बजा लेते हो, सुनाए गाना भी अच्छा गा लेते हो, पर तुम्हारी ये उंगलियां ऐसा कोई काल्पनिक चित्र बना सके है, इसमें हमें संदेह है। निसंदेह ये तुम्हारी कोई कोरी कल्पना ना है, इसमें सच्चाई जरूर है। बताओ, बताओ कौन है वो? ये निर्णय आपके पिताजी महाराज का नहीं, हमारा था। हमने ही उनसे कहा था कि अब हमारा यहाँ एक पल भी रुकना कठिन होगा, इसलिए नहीं कि हमें यहाँ पर कोई कष्ट है, बल्कि इसीलिए कि हमें चित्तौड़ से निकले हुए दो पक्ष बीत गए हैं और हमें वहां के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, और ना ही चित्तौड़ के राजमहलों को हमारे बारे में कुछ पता है कि हम कहां पर हैं। हमारा शीघ्र अति शीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है पद्मिनी, पर हम अपनी चिंता में आपकी मनस्थिति भूल गए, इसका हमें खेद है। हम भूल गए कि शादी के पश्चात कोई भी निर्णय अपनी अर्धांगिनी के बिना नहीं लिया जाता, और भूलवश में हमने महाराज से अपने दिल की बात अकेले ही कह दी,
पर पद्मिनी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो अपनत्व और जो प्यार आपको यहां पर मिला है, वही अपनत्व और वही प्यार लिए चित्तौड़ भी अपनी बाहें पसारे आपकी राह देख रहा है। आप अपनों से तो दूर जा रही हैं, पर अपनों के बीच हमने ये निर्णय आपकी अनुमति के बिना लिया, इसका हमको खेद है, पर अब अंतिम निर्णय आपके हाथों में, क्योंकि हम आपको दुखी नहीं करना चाहते। राणा जी सुनिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। विदाई की बात सुनकर पल भर के लिए हमें दुख अवश्य हुआ था, ये सोचकर कि जिन माता पिता के बीच हमने किलकारियां ली, पल में उन्हें पराया कैसे कर दे। पर आपकी बात सुनकर हमें भान हुआ कि अब हम सिंगल द्वीप की राजकुमारी नहीं, चित्तौड़ की बहू है, वहां के होने वाले राजा की रानी। फिर भला चित्तौड़ के लोग आपके लिए परेशान हो, ये हम कैसे देख सकते हैं। इसीलिए विदाई होगी राणा जी, और आज ही होगी। बस उस देवी को एक बार सपने में देखा था जिसका चित्र बनाया है, प्रातः हमने अपने उस सपने को रंग भर दिया। बस यही सच्चाई है। और तुम्हारे उस सपने की सच्चाई जानने के लिए राणा जी जंगलों में निकल पड़े। तुम्हारी वो कल्पना इसी धरातल पर कहीं तो है। चेतन राघव सच बताओ, सिंगल द्वीप, इस तरह की कन्या सिंगल द्वीप में हो सकती है अगर इस धरातल पर हुई तो। अगर राणा जी रनिवास में अकेले वापस आ गए तो थारे इस चित्र को रनिवास की दीवारों में जगह मिल जाएगी, और थारे को थारा पुरस्कार भी। और यदि थारी यो कल्पना ने हमारे राणा जी के जीवन में रंग भरने का प्रयास किया तो थारा ये धड़ यही रह जाएगा, पर थारा सिर हम स्वयं अपने हाथों से चील कौओं को खिलाकर आ जाएंगे। ये बात याद रखियो। 40 प्रहर का रास्ता है, इसमें पता नहीं कितनी प्राकृतिक और कितनी व्यवहारिक बाधाएं आ सकती हैं, कोई नहीं जानता। उस मलखान सिंह का अचानक से हमला करना और राणा जी ने उसे छोड़ देना, मुंह दिखाई के शुभ मुहूर्त पर अचानक से आया ये सूर्य ग्रहण, ये सब देखकर मन में थोड़ी आशंका अवश्य होती है। नहीं, हमें रतन सिंह के बहादुरी पर संदेह नहीं है, पर जब तक हमारी राजकुमारी पूरी सुरक्षा के साथ राजपूताना पहुंच नहीं जाती तब तक हमारे मन में संदेह अवश्य रहेगा। तो फिर हम जाएंगे अपनी सेना के साथ। महाराज, अगर आप रीति रिवाजों के विरुद्ध जाएंगे तो शोभा नहीं देगा, और जग हसाई होगी सो अलग। जिसने भी ये रीति रिवाज बनाए हैं, लगता है उसके पास माता पिता का हृदय नहीं था। इस धरा पर एक बेटी के लिए माता पिता का मोह मानो कोई अपराध हो। जीजा महाराज, आप यहां के आदर्श हैं, अगर आप ही रीति छोड़ेंगे तो यह उचित नहीं होगा। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम आपके प्रतिनिधि बनकर राजपूताना जा सकते हैं, और हमारे होते हुए राजकुमारी पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। हम वचन देते हैं कि अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई तो सर्वप्रथम हम हमारे प्राण न्योछावर कर देंगे, और उसके बाद ही कोई राजकुमारी तक पहुंच पाएगा। आप इसे हमारा स्वार्थ समझे
या स्नेह, किंतु इस तरह से हमें हमारी भांजी का सान्निध्य कुछ समय तक और मिल जाएगा, इसलिए हमें आज्ञा दें जजा महाराज। महाराज, राजपूताना तक स्वयं कोरा सिंह अपनी सेना के साथ रतन सिंह और पद्मावती को छोड़ने जा रहा है। जाएगा जरूर, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। महाराज, आपका जाना वहां बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां सब आपको पहले से ही पहचानते हैं। पर हमें तो नहीं पहचानते। हम जाएंगे और हमारे बड़े भाई के एक एक अपमान का बदला हम जीन जीन के लेंगे। जाओ मयूर सिंह, और छल से, बल से, और जिस जतन से हो सके उस जतन से, हर हालत में गौरा सिंह और रतन सिंह को मौत के घाट उतारना है। उन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद पद्मावती को लेकर सीधे हमारे पास आओगे। हम उससे ऐसा बदला लेंगे कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारी आंखों में भी सांप की आंखों की पुतली है। इसमें दुश्मन की छवि एक बार उतर गई तो उसकी मौत के बाद ही जाती है। रतन सिंह, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।